स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए, मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसका मैंने नाम दे दिया ए बी सी। हमें प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे, बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे जो कि ए से होके जाएगी, ठीक है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ए से होता हुआ एक लाइन खींच देंगे जो बीसी के पैरेलल है, इसका नाम दे देंगे पी क्यू, ओके। और यहां पर हम लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में, ड्रा पी ए क्यू पैरेलल टू बीसी, ठीक है। देखिए, हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 प्रूफ करने के लिए बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचना पड़ेगा जो कि एसी होके जाए। तो यहां हम देख रहे हैं पी ए क्यू पैरेलल किसके हैं, बीसी के। और जब दो लाइन पैरेलल हो और उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो हम जानते हैं अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो देखिए, इसका मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ भी देखिए PAQ पैरेलल है BC के और AC ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इजी करने के लिए हम 1 2 3 4 नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये एंगल है 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ए बी ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर, ठीक है। और ये जेड की तरह होते हैं, देखिए जेड टाइप का बन रहा है। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम देख रहे हैं पी ए क्यू क्या है, लाइन है, इसका मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो हम यहां लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। कैसा एंगल है? स्ट्रेट एंगल, यस, स्ट्रेट एंगल। अब देखिए एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। क्यों? क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए, इस 4 के स्थान पे हम एंगल 2 रख सकते हैं। तो यहाँ 4 के स्थान पे हम लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 1 को ऐसे ही रहने दो। और एंगल 5 के स्थान पे हम क्या लिख देंगे, एंगल 3, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर रीजन आप लिख देना, सिंस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 की है, एंगल 4 इक्वल टू किसके है, एंगल 2 की है, एंड एंगल 5 इक्वल टू किसके है, एंगल 5 इक्वल टू है एंगल 3। कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल है ये, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब देखिए, इसको हम सिविल वाइज कर लेंगे तो आपका आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, एंगल 1 का क्या नाम है, ए, ये 1, 1 का ही नाम तो ए है। इस ट्राइंगल में हम देख रहे हैं एंगल 1 क्या है, ए है। तो यहाँ पर आ गया ए प्लस 2 क्या है, बी है, एंगल बी प्लस 3 क्या है, सी है, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, और ये हमने प्रूव कर दिया, ओके।